एक लड़के को अपने पिता से मिलने जाना था क्योंकि उसके पिता बहुत समय से बाहर काम किया करते थे। उन्हें घर पर जाने का समय नहीं मिलता था, इसलिए माँ ने कहा कि तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। वह बहुत समय से वापस घर नहीं आए हैं। तुम्हें उनका हाल चाल पूछना है और आकर मुझे बताना है। मैं जानती हूँ कि तुमने बाहर का सफर नहीं किया है, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। तुम्हें उस जगह पर पहुँचने में 2 दिन लग जाएगा, इसलिए अपना ध्यान रखना है और आराम से जाना है। लड़के ने कहा, माँ आप चिंता ना करें, मैं आराम से चला जाऊँगा। माँ ने कहा, तुम पहले कभी नहीं गए हो, इसीलिए चिंता हो रही है। मैंने तुम्हारे खाने की कुछ चीजें रख दी है और कुछ पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ध्यान से जाना और आराम से वापस आना। रास्ते में किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। कोई पूछे तो कह देना यही पास का ही रहने वाला हूँ, तुम्हारे पास क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना। माँ अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर भेज देती है। उसके बाद लड़का अपने सफर पर निकल जाता है। उस समय में ऊंट गाड़ी चलती थी। उस लड़के ने पूछा, मुझे यहाँ पर जाना है, क्या तुम चल सकते हो क्या? उसने कहा कि बैठ जाओ, अभी बहुत समय लग जाएगा क्योंकि यह जगह 2 दिन का सफर लेती है। अगर 2 और सवारी मिल जाए तो उसके बाद फिर चलते हैं। कुछ देर बाद 2 और सवारी मिल गई और वह ऊंट गाड़ी को लेकर चल दिया। गर्मी का मौसम भी था और सफर भी बहुत थका देने वाला था, लेकिन जब जाना ही था तो इसमें क्या सोचना। अब चलते चलते रात हो गई, सभी लोग थक चुके थे। ऊंट गाड़ी वाले ने कहा, अब हम कुछ देर आराम करेंगे, अगर कुछ लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। रास्ते में सिर्फ यही एक बाजार है, अब आगे कोई बाजार नहीं मिलेगा, जिसको भी कुछ जरूरत हो वो ले सकता है। वह लड़का सोचने लगा कि जब यहाँ पर कुछ देर रुकना ही है तो चलो बाजार में घूमकर कुछ देख लेते हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। और वो बैलगाड़ी से उतरकर बाजार में घूमने लगा। तभी अचानक से एक लड़का भागता हुआ उसके पास आया और वह उससे कहने लगा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे उनसे बचा लो। लड़के ने पूछा कि तुमने क्या किया है? उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने रोटी ली है, मुझे भूख लग रही थी। कुछ देर बाद वह होटल वाला भी आ गया था। उसने कहा कि यह लड़का वहाँ से रोटी लेकर भाग रहा था, हर रोज ऐसा ही करता है, आज इसे पता चल जाएगा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। होटल वाले की ये बात सुनकर बच्चा बहुत ज्यादा डर गया। अब इस लड़के ने कहा, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है वो मुझसे ले लो, लेकिन इस लड़के को कुछ भी मत करना। उसके बाद लड़के ने उसका उधार चुका दिया। लड़के ने बच्चे से कहा, ऐसा नहीं करते हैं। वह लड़का कहने लगा कि मुझे भूख लगी थी, ऐसा इसलिए किया था। लड़के ने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ। बच्चे की यह बात सुनकर लड़के को दया आ गई। उसने कहा कि मेरे साथ चलोगे? तुम मेरे साथ में ही रहना, फिर तुम्हें कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बच्चा उस लड़के के साथ चल दिया। इसके बाद वह लड़का अपने सफर पर फिर से जारी हो गया। उस सफर में एक छोटा बच्चा भी शामिल था, लेकिन इस छोटे से बच्चे की सच्चाई आप नहीं जानते हैं। अगर आप इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट में हम बताएंगे, क्योंकि अगर इस पार्ट में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल न भूले।